से 16 हमें इस पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा भारत के संविधान के लोक प्रतिनिधित्व कानून के द्वारा आज के दिन हमें इजाज़त मिली थी, रजिस्ट्रेशन मिली थी कि आप जाइए और जो आपका उद्देश्य है कि जो निर्बल है उसे सबल बनाना है, जो राजनीति शिकार है उन्हें हिस्सेदार बनाना है, जो आज के दिन में बजट के शिकार हैं उन्हें बजट में हिस्सेदार बनाना है, उस काम की इजाज़त आज के दिन मिली है। आज अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को, अपने उस फाउंडर मेंबर को जिन्होंने इसके लिए संबल दिया, जो हम राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माध्यम से इस भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमने संकल्प लिया था, उसमें राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माध्यम से जिस तरीके से भगवान त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से ये जो इस भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उसकी साथ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हम लोगों को गले लगाया, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, कई राज्यों में और यहाँ उनके पूरे दूसरे देशों में भी इस निषाद पार्टी के जब भी कभी हम आवाज़ उठाते हैं तो लंदन जैसे जगहों से भी, फ्रांस स्विट्जरलैंड से भी हमें समर्थन मिलता है। मैं विशेषकर आज मीडिया को भी बधाई दूंगा आज के इस अवसर पर कि हम एक कमज़ोर वर्ग की राजनीति करने वाला जो नेता होता है लगभग उसको कमज़ोर ही माना जाता, अब कमज़ोर वर्ग के लोगों के हम नेतृत्व करते रहे जिसे सदियों से मुगलों ने अंग्रेज़ों ने सताया हो, पिछली सरकारों ने उन्हें सताया हो, सत्ता से कोसों दूर किया हो, सत्ता के सुख से सत्ता का भी दुरुपयोग करके उन्हें भेदभाव करके उन्हें मिटाने की कोशिश किया हो, संविधान में मिले हुए अधिकार को भी उन्होंने छीना हो, ऐसी कंडीशन में उनकी आवाज़ आप बने, हमारी उस आवाज़ को जनता तक दिलों में उतारा आपने, जिस तरीके से कम समय में हमें कीर्तिमान स्थापित करने को अवसर मिला कि जब मैं 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था और 16 अगस्त 2016 को हमें रजिस्ट्रेशन मिला, मैं पहला चुनाव लड़ा तो मेरे को एक विधायक मिला, हम 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 7.5 लाख वोट हमें मिला, वो हमें मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि पहली बार चुनाव लड़ा, मेरी पार्टी और मेरा सिंबल इस विधानसभा में पहुँचा और 5 साल के अंदर उसको हमने 11 पर पहुँचाने की कोशिश किया, 15 सीटों में से हमें 11 जीतने का, उस जीत में सबका योगदान है। तो ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी वो हमारी पार्टी नहीं है, हमारे जनता की, इस देश के हर एक नागरिक की पार्टी है, वो इस देश के संविधान में जो विश्वास करता है उनकी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पदाधिकारियों की पार्टी है, जिन्होंने तन मन धन से रात दिन एक करके बिना किसी साधन संसाधन के, कम साधन संसाधन में समय सीमा के अंतर इन लोगों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, उसे हम सबको बधाई देना है। आज के दिन में क्योंकि प्रदेश स्तर पर मन रहा है पूरे ब्लाकों में, आज के दिन में लगभग 850 ब्लाकों में हमारे कार्यकर्ता आज इसके जश्न के स्वरूप, जिस तरीके से हम तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव के दिन इस निषाद पार्टी को भी अवसर मिला, हमारे कार्यकर्ताओं को, कि जनता तक उस आज़ाद भारत में किन्होंने आज़ादी दिलाई थी। इस तरीके से मैं बार बार भाषण देता था कि 12 अक्टूबर 1871 को हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों को नदियों में डुबो के मारा था, उन्होंने कानून बनाकर हमें उजाड़ा था, उन उजाड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए अगर कोई चिंता किया तो मोदी जी ने चिंता किया, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता किया, गांव में रहने वाले गरीबों की उनको चिंता किया, पहली बार 20,000 करोड़ रुपया अगर मैं मत्स्य मंत्रालय अलग बनवा कर इनके लिए दिलाने के लिए कामयाब हुआ तो कम समय में किसी को किसी भी समुदाय का जो उपेक्षित समुदाय था इनके साथ और भी जातियाँ थी, दिल्ली से अगर 20,000 करोड़ रुपया इस मछुआ समुदाय के लिए संघर्ष कर रहा था, इनके साथ और जातियाँ था मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय इन्हें फ्री का बीमा दिलाने का जो है इनको फ्री का अपने विभाग से ज्ञान, उत्तर प्रदेश में भी हमें बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, उसे हमें अवसर मिला कि इनके लिए कि जो सड़क पर मैं नेता था आज सदन में उनकी आवाज़ उठाने का हमें अवसर मिलता है। सदन की छोड़ दीजिए, विधान परिषद का मैं सदस्य हूँ और मंत्री हूँ, मंत्री होने के नाते कैबिनेट में जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने इस 25 करोड़ की आबादी में हमें जो आपने जगह दिया अपनी टीम में, उसे हम दोनों सदनों में इनकी आवाज़ उठाता हूँ और दोनों सदनों में अब सड़क का वकील इनका सदन का वकील बन गया हूँ और अपने वकालत नहीं करता हूँ, मेरे साथ 11 और विधायक साथ रहते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी NDA के सारे विधायक मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और उसी तरीके से दिल्ली में भी हमें बहुत बड़ा लगता है कि एक मजलूम जिनके ऊपर सदियों से कहर डाया गया हो, गांव में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उद्योग राजनीति की जब आवाज़ उठती है सदन में तो विधानसभा में जो उनके लिए बिल पारित होता है या उनके लिए जो बजट पारित होता है, अगर कैबिनेट में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हर हफ्ते माननीय
धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, आज ही कैबिनेट की बैठक थी, बहुत देर तक चली है, तो आज जो आज देखने को मिला कि जिस तरीके से हमें 2015 में इस संघर्ष के आंदोलन के दौरान जेलों के अंदर किस तरीके से लोगों को रखा जाता है और कैसे अंग्रेजों की बनाई नीति का पिछली सरकारें पालन करती रही हैं, आज कम से कम बहुत मोटे पन्ने में उस जेल के मनोल को बदलाव कराने में जब हमने वहां जेल में रहा अनुभव किया तो क्या क्या अनुभव था आज शेयर करने का अवसर मिला, उस पर आज सब जो है किस तरीके से हमारे लोग भले अपराधी हों लेकिन हैं नागरिक हैं और जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है उनके लिए, तो आज जो हमको ऊपर बीता था उस जेल के अंदर वो आप बीती का आज कानून में किस तरीके से उन्हें राय आराम दिया जा सकता, आज वो अवसर जो मिला तो हमें लगा कि ऐसे हर